तो जी हाँ, नमस्ते प्रणाम। कैसे हैं भाइयों आप लोग? जितने भी तरह के इस वीडियो को देख रहे हैं, जल ढरियो ये भाभी। खेसारी लाल यादव का एक बहुत ही जबरदस्त और फाड़ू गाना आया भैया, जिस गाने में भैया बहुत ही बड़ा साजिश रचा गया। सबसे बड़ी बात बता दें आप लोगों को, गाना जब रिलीज हुआ जी म्यूजिक भोजपुरी पे, तो जितने भी खेसारी लाल यादव के फैंस हैं या तो जितने भी खेसारी लाल यादव को चाहते हैं, उन लोगों को तो पता ही नहीं था कि गाना आने वाला है। सबसे बड़ी बात, उसके बाद चमचे लोग जो हैं, पवन सिंह के जो कुत्ते हैं, जो भूखना छोड़ेंगे कभी नहीं, वो लोग जब तक भूखेंगे नहीं उन लोग का खाना पानी चलेगा कैसे, बताइए आप लोग। मैं बता दूं आप लोगों को, महादेव का दीवाना गाना आया पवन सिंह का, किसके बदौलत हिट गया जी? खेसारी लाल यादव के बदौलत, खेसारी लाल यादव के बदौलत, अखिलेश कश्यप के बदौलत, आदिशक्ति फिल्म के बदौलत। और बता दें, अभी तुम्हारा एक गाना आया है, तुम्हारा भी बेटा का एक गाना आया है, और अभी एक गाना आ गया तो वो तो हिट कर गया खेसारी लाल यादव की टीम के वजह से, क्योंकि खेसारी लाल यादव के गाने में इंडिस्क्रीन समझते हो बेटा? नहीं समझते हो ना, जो यूट्यूब चलाता पवन सिंह का चमचा उससे पूछना इंडिस्क्रीन क्या होता है। हाइल के सैंडल वाले गाने में इंडिस्क्रीन लगा दिया था महादेव का दीवाना। जितने लोग वो इस गाने को सुन रहे थे, उतने लोग उस गाने को भी देख रहे थे, मतलब गाने को प्रमोट किया जा रहा था, मतलब अपने दम पे कुछ नहीं कर पाए, बता दें ना। तो और भी बहुत सारा गाना रिलीज हुआ यार, क्या हुआ है? 2 लाख 1 लाख में ना क्या बोले, अब गत भी गिर गया है। मतलब तुम लोग का स्टार जो है कितना में गाता मालूम है तुम लोग को? 2 लाख में, 2.5 लाख में, 3 लाख में, और खेसारी लाल यादव का बजट जाके सुनो कितना है, समझा? तो अपना औकात में रहो बेटा, अपना होश में रहो, बता दिए। और क्या बोलते थे तुम लोग कि खेसारी लाल यादव गाने का यूट्यूब हिला देगा? अबे तुम लोग देख लेना बेशर्मो, किस तरह यूट्यूब हिलता है और किस तरह यूट्यूब हैंग करता है। पुराना गाना ऑडियो फाड़ कर रखा और वीडियो भी फाड़ कर रख दिया, जाके देख लो। और बोलते यूट्यूब हैंग, ऑटोमेटिक हैंग करेगा, तुम लोग कुत्ता है, समझा ना? जो मतलब भूखे, तुम लोग कुत्ता का पूछ है, और कुत्ता तो है ही, कुत्ता का काम क्या है? भौंकना। और कुत्ते का पूछ का क्या काम है? सीधा कभी नहीं होना। तो तुम लोग कुत्ता और कुत्ता का पूछ दोनों है, ठीक ना? तो अपना औकात में रहो, अपना हैसियत में रहो, ज्यादा आलतू फालतू बको मत, समझे ना? तुम लोग को टाइम, मूड बनने में टाइम लगता है बेटा, तुम लोग का मूड बनने में टाइम लगता है। और किसी को पता भी नहीं था कि गाना आ रहा है, किसी को भी पता नहीं था। तुमको पता था कि? किसी को नहीं पता था। एक एक गाना रिलीज हो गया, यदि जरा सा भी किसी को भनक लग जाता बेटा कि खेसारी लाल यादव गाना आ रहा है, चुप्पे चोरी गाना रिलीज किया। खेसारी लाल यादव को भी पता नहीं था कि गाना रिलीज होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग खेसारी लाल यादव के पीछे लग गए, जैसे अक्षरा सिंह के पीछे लगे थे। अब अक्षरा सिंह कोई भी कंपनी में गया तो फोन कर दिया पी स्टार, हेलो अक्षरा सिंह को नहीं गाने दीजिएगा, नहीं तो हम नहीं गाएंगे। और एक बात बता देते हैं, कितना दिन और तुम लोग का स्टार कितना दिन टिकेगा वो तुम लोग खुद देख लेना, समझा? टाइम खत्म हो गया बेटा, टाइम खत्म हो गया है, इसलिए अभी भी चुप रहो, नहीं तो जब उसका स्टारडम गिर जाएगा ना, तुम लोग कहीं का ना, मतलब मुंह छिपा, और तुम लोग तो बेशरम आदमी है, सॉरी तुम लोग तो बेशरम आदमी, तुम लोग मुंह क्या छिपाएगा, तुम लोग तो बेशरम आदमी है। जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आज बोल मौका खेसारी लाल यादव का गाना है भैया, नहीं सुने तो जाके सुनिए, जी म्यूजिक भोजपुरी से बिना बताया रिलीज किया है गाना। का बोल भैया एकदम जबरदस्त, और फाड़ू है पवन पांडे गाने को लिखे हैं, शंकर सिंह जी म्यूजिक दिए हैं, जबरदस्त गाना है भैया। आप गाने को सुनिए और प्यार दीजिए भरपूर, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने भी खेसारी लाल यादव के फैंस है भाई, सबको पता चल सके खेसारी लाल यादव का बवाल गाना आ गया है। और हाँ, आज गाना 1 लाख गया तो क्या हुआ, उसे कल गाना का 5 लाख 10 लाख 25 लाख भी चल जाए, ठीक ना? ट्रेंडिंग स्टार है बेटा, पी स्टार नहीं है, ट्रेंडिंग स्टार, पी स्टार, समझ रहे हो ना? तो जितना दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, आई लव यू।